तो भाई यहाँ पर फिलहाल बोट रुक चुकी है और हम लोग अभी जा रहे हैं स्विमिंग करने के लिए। क्या काजल, कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है। मेरा मतलब जो कार्ट का जो लिमिट है वो खत्म कर दिया इन लोगों ने आज। आपकी फैमिली में कोई अकेले ट्रैवल कर रहा हो और इसमें से कोई ओल्ड एज हो तो आप इस चीज का फायदा उठा सकते हो। नानी, मम्मी, पापा, सबको भाई उन्होंने इनफैक्ट प्लेन तक छोड़ दिया है। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग, एक वापस से नए वीडियो आपका स्वागत करता हूँ। तो फिलहाल भाई इस वक्त मैं हूँ ओमान में। वेल, आपको लग रहा होगा कि मैं ओमान कैसे पहुँच गया और ये अचानक से सब कुछ कैसे हुआ। तो भाई कल रात को आपने देखी थी कि हम लोग गजर सफारी करके वापस अपने होटल पहुँच चुके थे, लेकिन आज सुबह सुबह हमारा भाई डिब्बा का टूटा। मूसादन नाम है भाई, मूसा डैम, और एक्चुअली ये पड़ता है ओमान में। ये बात मुझे सुबह तक नहीं बताती। हम लोग सुबह सुबह ये टूर कर रहे हैं और भाई हम लोग बस लेके आए थे। हम लोगों ने एक बस लेना स्टार्ट किया दुबई में, 7 बजे के आसपास हमें बस मिली और 10 बजे के आसपास ही हमें छोड़ दिया। ये सब कुछ जो भाई ऑर्गेनाइज किया हुआ है सुन हॉलीडेज ने, तो हम लोग अभी आ गए हैं ओमान की तरफ। थोड़ा सा आप अगर आप गूगल मैप पे देखोगे या तो फिर मैप पे देखोगे तो बेसिकली ओमान का एक पार्ट है जो कि यूएई के मैं बोलूंगा नॉर्थ ईस्ट में है, तो उसी वाले पार्ट में हम लोग अभी फिलहाल आ रखे हैं। और एंट्री के लिए भाई उन्होंने कुछ नहीं मांगा, वीज़ा वगैरह नहीं, स्टैम्प नहीं लगता है, नहीं कोई वीज़ा लगता है। यहाँ पे क्या है कि जो टूर होता है वो एक पेपर बनाती है कि ये 5 लोग आ रहे हैं, इसमें इसका पासपोर्ट नंबर लिखा हुआ है, और वो पासपोर्ट चेक करते हैं बॉर्डर पे और कोई स्टैम्प वगैरह नहीं लगता, तो ईजिली एंट्री हो जाती है और आप जा सकते हो। तो सिर्फ एक ही एंट्री पॉइंट, ऐसा नहीं था भाई कि प्रॉपर इमिग्रेशन पॉइंट था, सिर्फ नॉर्मल सा, सिर्फ एक बार देखने वाला पॉइंट था, बस वही था। वेल, चलो अभी एंजॉय करते हैं। हम लोग ऑलरेडी बोट पे आ चुके हैं भाई। आज कुछ वाटर एक्टिविटीज होने वाली है। यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे नज़ारा, इस बोट से आए हम लोग और नानी वगैरह बैठ के मैंगो जूस पी रही है। वेल भाई, तो फिलहाल अभी हम लोग इसी बोट के ऊपर हैं। बोट के ऊपर भाई लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो भी हैं कुछ मिल जाएंगे आपको, फोर फ्री में मिल जाएंगे। मैं तो यहाँ पे बैठ के ऊपर में आराम कर रहा था। ये भाई ऊपर वाला डेक है जहाँ पर कुछ ऐसा दिखता है, ऊपर वाला डेक, ये ऊपर वाला, ये पूरा हिसाब किताब है और नीचे वाला है, मोस्टली लोग ऊपर बैठे हुए हैं। और यहाँ पे अभी होगी वाटर एक्टिविटी। वाटर एक्टिविटीज में जैसे भाई कयाकिंग कर सकते हो आप, यहाँ पे जो पीछे बनाना जो लेके आ रहे हैं बनाना वाली, बनाना राइड कर सकते हो, बनाना के ऊपर बैठेंगे फिर वो फ्लिप होगा, वो आप पानी में गिरोगे। लेकिन इन सबको डर लग रहा है एक्चुअली पानी। मम्मी तुम जाएगी पानी के? नहीं जाएगी मम्मी, तो नहीं जाने वाली कन्फर्म, क्योंकि एक साल हादसा हो चुका है जब ये कहीं पूरी में थी ना, हाँ ये समुद्र में चली गई थी, तो ओशन में चली गई, तो इसके वजह से वो अब पानी से डरती है, तो ये पानी के अंदर तो नहीं जाने वाली। और हम काजल को कन्विंस कर रहे हैं कि काजल चलो मेरे साथ, बाकी तो कोई नहीं जाएगा, हम और काजल जाएंगे प्रोबेबली पानी के अंदर। मैंने कहा लाइफ जैकेट है कोई दिक्कत नहीं, मेरे को भी स्विमिंग नहीं आती, तुमको भी स्विमिंग नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ जैकेट है, काम चल जाएगा। चलो देखते हैं कौन कौन जाता है पानी के अंदर। यहाँ पर भाई नानी पकड़ दी है मछली, मिलो मछली का एक को पकड़ लिया, अभी तक किकरों ने फसलो जे, नानी बोली किसी का नहीं फसा अभी तक, हाँ एक को फसलो जे, क्या कोशिश करते रहिए, मछली पकड़ तो काजल मछली मिला क्या? मछली नहीं, गर्मी जरूर मिला। कितना मछली मिला काजल अभी तक? ट्राई करते हैं भाई, लग लो छो पकड़ा के, लग लो लग लो छो मिला काजल, प्रयास जा रही है लेकिन काजल का पसीना चल गया, काजल का कल कुछ बोलना चाहेगी? नहीं, बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है तुमको? तो भाई यहाँ पर फिलहाल बोट रुक चुकी है और हम लोग अभी जा रहे हैं स्विमिंग करने के लिए, पर मैं जा रहा हूँ एटलीस्ट। यहाँ पर ये स्विमिंग का यहाँ पे प्लेस है, तैरने तो आता नहीं बट फिर भी मैं जा रहा हूँ। तो भाई पानी का जो वेदर था काफी रियली शानदार था, तो अंदर में बाल को तो भिंगाया नहीं, देखो मेरा बाल भी अंदर नहीं, डर किस बात का लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है। इस लाइफ जैकेट में तो अंदर नहीं जाएगी, इट्स लाइक अ डेड सी, कुछ दिन पहले हम डेड सी गए थे तो इसी तरह होता है डेड सी में। तो भाई यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं स्पीड बोट, यहाँ पे स्पीड बोट जो था इंक्लूडेड था हम लोगों के लिए, यहाँ पे हम लोग खड़े हैं। पानी काफी वार्म है, पानी का जो टेम्परेचर है काफी एकदम शानदार है। अरे नहीं गिरेगी, चिंता नहीं करो, पकड़ के रखना, सबको डर लग रहा है काजल के बारे में, क्या काजल हम बोले काजल लाइफ जैकेट तुम अंदर जाकर देखो फिर देखना मजा आएगा, तुम गिरेगी नहीं, गारंटी देते हैं कि तुम पानी अंदर नहीं जाएगी, बस तुम पैनिक मत होना,
बस तुम बताओ आराम से नॉर्मल सांस होते हो। मुझे पूरे आ रहे हैं एकदम इंटरेस्टिंग आज का दिन देखो। वेल भाई तो हम लोग बनाना राइड के लिए तैयार हैं। हम लोग मतलब सिर्फ मैं, क्योंकि ना काजल आई, ना मम्मी आई, ना नानी आई और ना ही पापा आए। मुझे पता था कहीं नहीं आने वाला है, इसलिए मैं अकेले आ गया था। एनीवे फ्लिपिंग ओके, फर्स्ट वी विल डू फ्लिपिंग 4x4 कैन सीट फ्लिपिंग ओके। फर्स्ट 4 कैन। वेल भाई तीन चार लोग पहली बार में जा रहे हैं, क्योंकि सबको नहीं जा सकते एक बार में, तो चार लोग पीछे जा रहे हैं पहली बार। यहाँ पर काजल कर रही है स्विम। क्या काजल, कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है। डूबेगी तो नहीं तुम? ना लाइफ जैकेट लेके चली है इस बार ना। सही है, आजा आजा। अंदर जा रही है क्या तू? तुम्हारे नीचे कोई जमीन है या नहीं? हाँ है, जमीन जमीन है। अंदर चले गए क्या? गिर गई तो मर जाएगी और क्या होगा। वेल भाई तो अभी तक स्विमिंग चल ही रहा है यहाँ पर। हम लोग फिलहाल आ चुके थे बीच साइड पे। ये कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। कुछ कुछ यहाँ पे इंस्टाग्राम मॉडल पहुँच चुकी है, क्योंकि तस्वीरें वगैरह खिंचवा रही है। मम्मी नानी और सब कोई नहीं आया, क्योंकि भाई यहाँ पर धूप बहुत है और आप अंदर अगर नहीं जाते हो तो बहुत ज़्यादा धूप है। और छाया के लिए भाई सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एक ये नारियल का पेड़ तो नहीं है, लेकिन खजूर का पेड़ है भाई मेरे सामने, मेरे पीछे देखो खजूर का पेड़ है। और यहाँ पर ये कुछ ऐसा दिख रहा है भाई ये नज़ारा। यहाँ पर आप देखो बहुत सारे हमारे ग्रुप के जो टूर थे वही लोग आ रखे हैं। और ये दो इंस्टाग्राम मॉडल अलग अलग पोज में फोटो खिंचवा रही है। ये ऐसा कुछ यहाँ पर हिसाब किताब है। वेल भाई फिलहाल अभी टूर ख़त्म हो चुका है, यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। ये था भाई मूसा डैम tourism.com। यहाँ पर हम लोग ओमान के अंदर आ चुके थे। यहीं पे भाई हमें खाना पीना मिला था। यहाँ पे हम लोगों ने खाना पीना वगैरह खाया और उसको तो भाई खाना काफ़ी स्वादिष्ट था। खाना पीना खाने के बाद एक्चुअली मैंने एक दो घंटे की नैप ले लिया, अच्छी खासी नींद आ गई उसको, तो यहीं पर सो गया था। सब देख सकते हो तकिया वगैरह लगे हुए हैं। और आज का जो टूर था भाई, टूर में हमने बेसिकली काफ़ी चीज़ें की। सबसे पहले तो स्विमिंग, स्नोकलिंग, कयाकिंग, बनाना जंपिंग वगैरह, और काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिप था। काजल के लिए आज पहला दिन था कि वो स्विम कर रही थी। नानी मम्मी, नानी तो सिर्फ कहीं गई ही नहीं, नानी नानी पापा बोट पर ही बैठे रहे। मम्मी गई थी स्पीड बोट पर दो तीन बार, वही मम्मी का टूर था आज। मेन एडवेंचर जो था भाई वो मैंने और काजल ने किया। अलग अलग चीज़ें हमने ट्राई की। यहाँ पर गर्मी बहुत है, जरा यहाँ से निकला जाए। और यहाँ पे भाई कंस्ट्रक्शन का बहुत काम चल रहा है, क्योंकि भी टूरिज्म यहाँ पे डेवलप हो रहा है धीरे करके। यहाँ पे गैस स्टेशन भी है, चलो यहाँ से निकलते हैं। तो गाइज हम लोग आज डिब्बा से वापस से आ चुके हैं दुबई शहर में। आज हमारा लास्ट नाइट है, हम लोग यहाँ से एक्चुअली निकल रहे हैं। और मम्मी लोग जाने से पहले कुछ कुछ खरीदना चाहती थी, सोना, तो एक्चुअली ये लोग सोने मार्केट में है भाई, दुबई का गोल्ड सुक आए हम लोग यहाँ पे। और एक दुकान आ रखे हैं भाई, जरा देखो कितनी भीड़ है भाई इस दुकान में। ये मेरे सामने मम्मी लोग वगैरह सोना वगैरह खरीदने की कोशिश कर रही है, इतनी भीड़ है भाई यहाँ पर। और यहाँ पे एक्चुअली सोना सस्ता है इंडिया से 5-6 हज़ार रुपया, तो इसके वजह से भी सब लेना चाहती है। जरा देखा जाए यहाँ पे इतनी भीड़ है, जरा देखा जाए मम्मी लोग कहाँ कहाँ क्या खरीदने की कोशिश कर रही है, जरा देखते हैं। यहाँ पर मम्मी लोग को कोई दिखा रहा है नहीं दिखा रहा? यस राइट, यहाँ पे मम्मी लोग कुछ ना कुछ दिखाया जा रहा है। हेलो, हाउ आर यू डूइंग? गुड। यहाँ पर अनुसा भी आ चुके हैं और सब सोने खरीद रहे हैं। तो गाइस सोना वगैरह खरीदने के बाद हम लोग वापस से आ चुके हैं रेस्टोरेंट में खाना पीना खाने के लिए। और सोना लिया, काजल ने तो हीरा खरीद लिया यहाँ पे। मेरा मतलब जो कार्ड का जो लिमिट है वो ख़त्म कर दिया इन लोगों ने आज। मेरा इतनी शॉपिंग की इन लोगों ने, पैसा खत्म नहीं, लेकिन कार्ड की लिमिट खत्म हो गई हमारा आज के। हाँ आई थिंक भाई मेरे कार्ड का लिमिट आई थिंक 2 लाख रुपए के आसपास होगा या 1.5 लाख रुपए के आसपास, तो वही निकल गया। लेकिन सोना का जो यहाँ पे भाव मिला भाई, एक हम लोग शॉप गए थे जहाँ पर 0% मेकिंग फी थी, बट मेरा डेबिट कार्ड किसी रीजन से काम नहीं कर रहा था यार। मेरा इंडसइंड बैंक का डेबिट कार्ड मैंने एक्सक्लूसिव अकाउंट खुलवाया था अभी हाल फिलहाल में, कि इसमें अनलिमिटेड विड्रॉल मिल जाते हैं, बट भाई काम नहीं किया। मतलब वो एंड टाइम पे धोखा देता है भाई, पता नहीं जब बार बार फ्रीज कर रहे हैं अकाउंट। तो मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा भाई फिलहाल इंडसइंड का जो मैंने एक्सक्लूसिव कार्ड खुलवाया है। प्रॉब्लम मुझे लगता है उसको बंद करवाना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं, क्योंकि 1 लाख की भाई मिनिमम बैलेंस है। और मैंने खुलवाया है उसमें कि फ्री अनलिमिटेड और फ्रीज
फॉरेक्स चार्ज नहीं लगता, बट भाई अभी तक सकते हो तो मेरा काफी बुरा एक्सपीरियंस रहा है इंडसइंड बैंक के साथ। बार बार फ्रीज कर दे रहे मेरा कार्ड, पता नहीं क्यों, बिना कोई रीजन, सिर्फ एक ही बैंक भाई कर रहा है, क्योंकि मेरे पास सारे बैंक के कार्ड एक्सिस बैंक वगैरह है, वो काफी सही अब तक चल रहा है मेरा। लेकिन आगे अगर मुझे अच्छा सर्विस मिले तो मैं आपको बताऊंगा कि उसकी सर्विस मुझे कैसी मिली आगे चल के, फिलहाल तक तो मुझे काफी बुरा लग रहा है। वेल अभी हम लोग आए थे भाई नेपाली रेस्टोरेंट खाना पीना खाने के लिए, आज हमारे लास्ट डिनर है क्योंकि कल सुबह ये सब निकल रहे हैं, तो हमारा लास्ट डिनर है, इसलिए अनुसार मिलने आ गई थी और अनुसार लेके आई नेपाली रेस्टोरेंट। क्या नाम है अनुसार इस नेपाली रेस्टोरेंट का? मना कामना, मना कमाना, मना कमाना। हम लोग खा रहे हैं दाल भात मटन, ये थाली थकाली खा रहे भाई, नेपाली खाना एकदम वन ऑफ माय फेवरेट फूड इन द वर्ल्ड, मुझे काफ़ी सही लगता है ये खाना भाई। लेकिन काजल खा रही है आलू पराठा और घुंघनी, और बाकी सब ये खा रही है, सब यहाँ पे अभी ज्वाइन हो चुके हैं, सिर्फ पापा नहीं है क्योंकि पापा को बोले कि शॉपिंग करने का क्या मतलब है, क्या तुम लोग जा रही सोना चांदी खरीदने के लिए, हम क्या करेंगे जाके। और यहाँ पे मोमो वगैरह भी आया गया है। नानी खुश है सोना खरीदी का? सोना खरीदे खुश छे? खुश छे? खाना कैसा लगे लो? ठीक छो ना? ठीक है चलो, नानी से अप्रूवल मिल गया इसका मतलब खाना अच्छा है। तो गाइस वापस से एक नया दिन है, एक्चुअली पेरेंट्स वगैरह सब जितने थे सब निकल गए हैं आज 11 बजे की उनकी फ्लाइट थी, वो निकल गए, मैं दुबई में ही रहा क्योंकि मैं दुबई से भाई जाने वाला हूँ साउथ कोरिया की तरफ, तो मुझे लगा मेरे इंडिया जाने कोई मतलब नहीं, मतलब से मैं उनके साथ इंडिया नहीं गया, वो लोग उन्होंने दिल्ली फ्लाई किया है और जस्ट उनका कॉल है कि वो दिल्ली पहुँच चुके हैं। तो भाई लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ कि नानी उसमें ओल्ड थी, हालांकि नानी को व्हील चेयर की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने व्हील चेयर ले लिया था क्योंकि उन्होंने ना कल उन्होंने आपको देखा था कि बता था कि मैंने कल सबके सोना खरीदा था, जो उन्होंने जो सोना खरीदा था उसके अलावा भाई दुबई एयरपोर्ट की टर्मिनल वहाँ पे आपको लेनी पड़ती है ट्रैम और काइंड ऑफ मेट्रो टाइप की होती है, वो लेनी पड़ती है, तो उन लोगों को लगा कि कंफ्यूज हो जाएंगे, वो नहीं जा पाएंगे यहाँ से, वो फ्लाइट नहीं पकड़ पाएंगे यार, पहले दूसरी बार कितनी बार उन्होंने फ्लाइट ही ली होगी, तो उनको उतना आइडिया नहीं, तो डरे डरे से थे। फिर मैंने बोला कि चलो मैं व्हील चेयर सर्विस दे देता हूँ, जो कि भाई एयर इंडिया ने फ्री में प्रोवाइड की, तो वो एयर इंडिया पे बैठ के गए, फ्री में एक बंदा आया और व्हील चेयर सर्विस मतलब कि नानी को बैठा के लेके गया और सब कुछ उसने भी करवाया, उसने भाई बंदा भाई केन्या का था, मैंने उससे थोड़ी बड़ी बात की, मैंने उनको बोला कि भाई ये सब तुम करवा देना, तो भाई वो सबसे पहले उनको इमिग्रेशन क्लियर करवाया और सिक्योरिटी और सब कुछ की भाई, उसकी लंबी जो लाइन जो थी भाई सबको लाइन को तोड़ के निकाला गया क्योंकि सीनियर सिटीजन थी और यू नो व्हील चेयर सर्विस प्रोवाइड थी, तो सब कुछ फास्ट फास्ट हो गया और उसी बंदे ने भाई टैक्स रिफंड भी करवाया, तो ये उनके साथ मिल गया। आपकी फैमिली में कोई अकेले ट्रैवल कर रहा हो और इसमें से कोई ओल्ड एज हो तो आप इस चीज़ का फायदा उठा सकते हो कि आपके साथ कोई जा सकता है, उसको भाई नानी मम्मी पापा और सबको भाई उन्होंने इनफैक्ट प्लेन तक छोड़ के आया, मतलब एयरपोर्ट के भाई बाहर से लेके उसको प्लेन तक छोड़ के आया, उन लोग कुछ करना नहीं पड़ा, सारा काम उसी बंदे ने कराया, तो ये काफी सही था और वो लोग इंडिया पहुंच गए एकदम अकेले, पहली बार उन्होंने ट्रैवल किया था मेरे बिना, अकेले सब कुछ पहुंच के, मुझे भी थोड़ा डर लग रहा था, मैं वैसे एकदम कॉल पे था ऑल द टाइम कि कुछ दिक्कत नहीं हो जाए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुई भाई। और भाई ऐसा करता हूँ कि आपको दुबई की ट्रिप बहुत पसंद आई होगी, ये भाई थोड़ा फैमिली का ट्रिप था और काफी मेरी फैमिली और मैंने भाई काफी इंजॉय किया, मतलब भाई नानी को जो फेवरेट कंट्री बन गई भाई वो दुबई, मतलब यूएई टेक्निकली लेकिन दुबई सब जानते हैं, तो नानी की फेवरेट प्लेस बन गई है दुबई एंड यूएई। इनफैक्ट मेरे घर पे काजल मम्मी जो कि पहले भाई रशिया जा चुकी थी, जो कि पहले अफ्रीका जा चुकी थी, उनको भी भाई दुबई बहुत ज्यादा पसंद आया, तो दुबई भाई फैमिली के लिए एकदम काफी मस्ट डेस्टिनेशन है, अगर आपके साथ फैमिली हो तो आप यहाँ पे आएं।